जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एनिमेशन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको ट्रांजिशंस के बारे में बताया था, आज की क्लास में आपको एनिमेशंस के बारे में सीखना। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, एनिमेशन का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। जैसे एनिमेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना, किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना। जैसे कौन सा टॉपिक कब हमको कितना टाइम तक हमको बोलना है, किस टॉपिक पे, ये सेट करता है कौन, एनिमेशन। कौन सेट करता है, एनिमेशन। और एनिमेशन में इतना सारा इफेक्ट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट का हम इस्तेमाल करना सीखेंगे कि एनिमेशन में एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि एनिमेशन का प्रयोग हम लोग कैसे किया जाए। क्योंकि एनिमेशन में हम किसी इमेज को मूव भी करा सकते हैं, किसी शेप के डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, और प्लस जो भी मैंने पढ़ाने के लिए या फिर मान के चलिए कि जो टॉपिक मैंने तैयार करना है, इसमें हम टॉपिक तैयार करके उसके बारे में हम डिटेल बता भी सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान के चलिए कि आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी बनाना हो, स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आपको बनाना हो, तो इसको तो पहले हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट पे बनाएंगे और सब पे हम क्या करेंगे, अलग अलग एनिमेशन दे देंगे। और जिस एनिमेशन का इफेक्ट हमको जहां पे देना होगा, एनिमेशन का इफेक्ट लगाएंगे और फिर वन बाय वन करके हम उसको क्या करेंगे, खूब अच्छे से हम उसको प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, एनिमेशन का प्रभाव आप सीखना है, इसके लिए सबसे पहले पेज को हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से ब्लैंक कर लें। चूंकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना, चूंकि ब्लैंक पेज पे जब बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए होम टैब पे आइएगा और लेआउट में क्या कर लेना, ब्लैंक लेआउट लेना। तो आज की क्लास में जो सीखना है, किसी एनिमेशन के माध्यम से हम किसी कार को रोड पे कैसे ड्राइव करते हैं या कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले अगर हम रोड के बारे में बात करें, तो रोड का तो इमेज हमको बनाना पड़ेगा ना, या तो इमेज बनाए नहीं तो डाउनलोड करें, क्यों, या तो इमेज बनाए या तो इमेज को क्या करें, डाउनलोड करें। तो चलिए इमेज हम बना देते हैं, किसका, रोड का। तो इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे शेप लेना, ये वाला शेप, इसका नाम है रेक्टेंगल। यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बड़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक शेप मैंने ले लिया और इस शेप को मैंने ब्लैक कलर भर, इसमें हम शेप फिल पे आकर के इसका कलर हम कर लेंगे ब्लैक कलर, आउटलाइन भी कर लेंगे ब्लैक कलर। ठीक है ना, और पुनः इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे शेप पे आएंगे और ये वाला शेप लेंगे रेक्टेंगल, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे, आउटलाइन भी व्हाइट कर देंगे। ठीक है, अब इसी को सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबाते जाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी, जितने बार कंट्रोल डी दबाएंगे उतना डुप्लीकेट इसका बनता जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसे एक बार और बनाना होगा तो टाइम लगेगा ना, तो देखिए करना क्या है, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्शन करिए, हाँ ठीक कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन हो गया, अब फॉर्मेट में आकर के ग्रुप पे आकर के इसको कर लेना है ग्रुप। जब ये ग्रुप हो जाएगा तो पुनः कंट्रोल प्लस डी बटन दबा लेना, देखिए एक और इसका लेयर बन करके आ जाएगा। सही है, अब तीनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको पहले केवल, और फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, फिर इसको सिलेक्शन करिए। जब तीनों सिलेक्शन हो जाए तो पुनः यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके इसको भी ग्रुप कर लीजिए। तीनों ग्रुप हो गया, एक और हमको रास्ता बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी, इसका एक और बन के लेयर चलाएगा। कैसे मैंने बनाया, किसी को कोई कंफ्यूजन, बन जाएगा, बस ग्रुप इफेक्ट है और कुछ है नहीं इसमें। तो कपूल है ठीक देखिए पहले तो ये रूट तैयार कर लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत है, बात करने वाले पहले समझ लो, उसके बाद से आप लोग बात करना। ये ग्रुपिंग करने के बाद तब कंट्रोल डी करना है, चूंकि इस तरीके से आप बनाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। एक बार आप ग्रुपिंग करिए, कंट्रोल प्लस डी बटन दबा दीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब आपको आना है सबसे पहले गूगल क्रोम पे, क्रोम पे चले आइएगा।
और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कार PNG, ठीक है। यहाँ से इमेज पे क्लिक करिएगा, जैसे ये वाला कार मैंने ले ली, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक राइट, 1 मिनट, राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज पे जाना है। देखिए इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, और कहीं लोकेशन पे जैसे डेस्कटॉप पे ही मैंने जो है कार को मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब पुनः आपको आ जाना है सबसे पहले पावर पॉइंट वाले पेज पे, और यहाँ पे आना है इंसर्ट में, और यहाँ पे आ जाना है पिक्चर पे। पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप मैंने दिया था, और यही कार है ना, इसको इंसर्ट करा लेना। आ गया ना, अब देखिए। अरे अरे यार थोड़ा सा वेट तो करो। क्या होता अब देखिए इसकी साइज को हम यहां से थोड़ा सा छोटा करेंगे, देखिए, ठीक है, और इसको रोड पे रखेंगे ऐसे भी। है कमेंट नहीं, प्लीज पहले समझ लो, उसके बाद से आप लोग बनाना तब पता ठीक चलेगा। आप देखिए हो गया ना, इसी का कंट्रोल डी दबा करके एक और बना लेंगे, और इस गाड़ी को यहाँ पे लेके आएंगे। है। ठीक है ना, अब देखिए, अब दोनों गाड़ियां हमको क्या कराना है, मूव कराना है, किसके माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। और इसमें जैसे जो है, मान के चलिए कि रोड के साइड में घास वगैरह होता है ना, तो घास का फिगर आपको लाना हो तो पुनः गूगल क्रोम पे आ जाइएगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्रास PNG, GRASS, ग्रास PNG। जैसे ठीक यही वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज एज पे आते हैं, और इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहां पे ले लेते हैं ग्रास। इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है, और ये पिक्चर मिलेगा कहाँ पे, डेस्कटॉप, और यहां से ले लेना है ये वाला पिक्चर, ग्रास वाला, ये रहा, इसको भी इंसर्ट इंसर्ट करा। ए बात नहीं, अरे बोल चलिए अब इसमें देखिए, चूंकि एक फोटो पे मैंने क्लिक किया, और एक चीज समझिए, अभी एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा है, तो हाईलाइट तब होगा जब इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही एनिमेशन वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए एनिमेशन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले आइएगा यहाँ पे एनिमेशन पे, देखिए इसमें बहुत सारा एनिमेशन दिया हुआ है। अब किसी भी एनिमेशन का प्रभाव कहीं नहीं दे देंगे, बोलिए, एनिमेशन आपको देना है कि ये रोड पे राइट साइड में मूव करता हुआ दिखाई दे, यानी कि राइट साइड में चले, किस साइड में, राइट साइड में चले, तो यहां से एनिमेशन पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर मोशन पाथ, इसी पे क्लिक करना है, मोर मोशन पाथ करके एक ऑप्शन आएगा, देखिए कहां से मिला है, इस पे पॉइंट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर मोशन पाथ, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा राइट, दिख रहा है, इसी राइट पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। एक मिनट, एनिमेशन पेन से आकर के पहले हम इसको हटा देते हैं, अगर कोई एनिमेशन हटाना हो तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं एनिमेशन पेन से। पुनः मैंने इस पे क्लिक किया, एनिमेशन पे आइए, मोर मोशन पाथ पे आइए, इसमें आपको लेना है कौन सा, राइट वाला, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे एरो बनेगा, देखिए बिना एरो बने आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। अब इसको मैंने खींचते हुए लेके चला गया यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हम लेके चलेंगे, जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लिक, इसमें आपको ले लेना है क्या, विथ प्रीवियस, क्या लेना है,
विथ प्रीवियस, और इसकी टाइम को बढ़ा देना है, कै सेकंड में चलाना चाहते हैं, तो जैसे हम इसमें ले लिया मैंने 7 सेकंड, जो भी टाइमिंग आपको लेना होगा ले लीजिएगा, और पुनः इस पे क्लिक करिए। एक तो लग गया, पुनः सेकंड पे आइए और पुनः यहाँ पे आ जाइए मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ पर भी आपको ले लेना है क्या राइट, और ओके बटन पे क्लिक करना। देखिए एरो बन रहा है यहाँ पे, इसी के माध्यम से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब इसमें भी ऑन क्लिक को हटा करके क्या लेना है विथ प्रीवियस, और टाइम इसमें भी उतना ही टाइम ले लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि एक पहले चला जाएगा एक बाद में चला जाएगा। चलिए हो गया ना, अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। पीछे करना देखिए चूंकि स्पीड इसलिए कम है, स्पीड कम इसलिए है क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा दे दिया, और इसमें टाइम कम कर देते हैं। देखिए अब चलिए, अब शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। दोनों दोनों का करना पड़ेगा ना, चलिए दोनों का करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पे केवल क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहां से इसका टाइम भी मैंने यहां से कम कर दिया, इसका भी मैंने 5 और इसका भी मैंने 5 कर दिया। अब करते हैं शिफ्ट प्लस F5। कोई दिक्कत? यही आपका एनिमेशन का इफेक्ट है। अब इसमें और भी आपको बेहतर बनाना होगा तो और भी इसमें, जैसे इसका कुछ कलर कर दीजिएगा, इसका कुछ अलग बैकग्राउंड लगा दीजिएगा, और एक और तरीका बताते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एयरपोर्ट्स पे जो जहाजे रन करता है, जो जहाज उड़ान भरता है, उसको हम कैसे चलाते हैं, ठीक है उसको बता रहे हैं। बताइए इसकी चेंज करना होगा कलर, तो डिजाइन टैब में आकर के आप इसकी कलर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल लीजिएगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है, कुछ कलर वगैरह करना होगा तो। ठीक है अब चलिए यहां से कंट्रोल प्लस एन बटन, कंट्रोल एम दबा दी, एक और मैंने स्लाइड ले ली। अब बात नहीं, यहाँ पे रनवे का फिगर हमको लेके आना, जैसे जो रनवे होता है ना जिसपे जहाजें उतरती हैं, उसका हमको फिगर लेके आना है, तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा रनवे इमेज PNG। ऐसे देखिए बहुत सारा रनवे का इमेज आ जाएगा, इसमें से कोई सा भी एक इमेज हम ले लेते हैं, इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ से कोई एक इमेज आप ले लीजिए। चलिए इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। माउस से मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे आते हैं, और इस इमेज को मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, कहाँ पे, तो चलिए डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं रनवे इमेज के नाम से, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद पुनः आ जाइएगा यहाँ पे पावर पॉइंट वाले पेज पे, और यहीं पे इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइए, और कौन सा पिक्चर, तो रनवे इमेज वाला पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, ये रहा, इसको मैंने इंसर्ट कर, इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हो गया गया ना, अब देखिए इसी पे आपको लेके आना है क्या जहाज का फिगर, पुनः आप इस पे आ जाइएगा गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एयरप्लेन इमेज। राइट क्लिक, सेव इमेज एच, और इसको भी पीएनजी डाउनलोड करना है, जेपीजी नहीं, पीएनजी, पीएनजी नहीं दे रहा है क्या, पीएनजी का हम खरीद के लाया हुआ का मतलब उसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज वगैरह नहीं आएगा। अकाउंट में चलिए ये सही, लगा लेवन इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ से ले लेते हैं पांच सौ सुपर एम एयरप्लेन, ऐसे पूरा बनाना होगा आपको, ठीक है। मैंने सेव कर दी, सेव करने के बाद आप आ जाइएगा इसमें, अब यहीं पे प्लेन को उतारना, ठीक है, इंसर्ट पे आइए और पिक्चर पे आइए, और यहाँ से आपको लेना है एयरप्लेन, घर है फिर घर से हो जा लेंगे इंसर्ट करा दी इसको भी।
देखी जन फोर ही लागत है ऐसा नहीं सा डिसिप्लिन में जाता नहीं जन कर बहिन के तो कब बापे के दा ऐसे ही बुआ के डिस्टर्ब होता है थोड़ा, दिखाता कुछ और है देता कुछ, ये है सर। हैं चलिए जी इससे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बात नहीं, यहाँ से जो है आप क्या करिएगा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, होगा और डाउनलोड हाँ करने के बाद जैसे ही इंटरनेट में ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव मुर्गे बीजी, आपने नाम सुना अरे है, इसमें भरिएगा रिमूव मुर्गे बीजी, एंटर लिखवाओ करिए। कलवा लेके इसमें ना किसी इधर भी इमेज से अगर उसकी बैकग्राउंड को हटाना हो तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपलोड आया इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ से वो इमेज सिलेक्शन करने के लिए देगा। वो इमेज मैंने रखा है डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, एयरप्लेन टू के नाम से मैंने रखा था ना। चलिए मैंने इसको ओपन कर ली, हो गया, गया बस यहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे आइए, इंसर्ट में आइए, पिक्चर पे आना, और चूंकि इमेज डाउनलोड हुआ है तो डाउनलोड में मिलेगा, इसमें डाउनलोड पे आ जाइएगा और ये वाला इमेज आपको इंसर्ट करा लूं। अब सही है, अब देखिए खराब इसको आपको मूव कराना। ए, बात नहीं, देखिए इसको मूव कराना, तो पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले एनिमेशन में, और यहाँ पे आ जाना है कहाँ पे, मोर मोशन पाथ पे, और यहां से आपको ले लेना है डायगोनल अप राइट, मतलब ऊपर की तरफ ही मुड़ेगा ना, डायगोनल अप राइट ले लेना, ओके कर देना है। देखिए अब यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, इसी एरो को ऐसे खींच लेना जहां तक मूव कराना। टाइमिंग क्या देना चाहते हैं, तो टाइमिंग मैंने मतलब प्रीवियस को हटा करके मैंने टाइमिंग इसकी बढ़ा दी शिफ्ट प्लस F5। भाई देख भाई घाव घाव लगला दौड़त रहने है ये है बात नहीं, और एक और चीज देखिए, जैसे हम ये चाहते हैं कि एक साथ जो है दो वर्क हो, जैसे एरोप्लेन भी उड़े, ऐ बात नहीं, एरोप्लेन भी उड़े और प्लस मारुति मारुति भी चले, दोनों एक साथ मोमेंट हो, समझ में आ रहा है ना, हाँ दोनों एक साथ मोमेंट करे, तो इसके लिए पुनः इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे पिक्चर पे आना, और यहाँ से आप पिक्चर ले लीजिएगा, जो पिक्चर भी मैंने डाउनलोड किया था, इस पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। हाँ इस पिक्चर को मैंने इंसर्ट करा ली। चलिए ये पीएनजी इमेज है। अरे यार थोड़ा सा शांत हो जाओ यार, पढ़ लेने तो ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब देखिए दो एनिमेशन का इफेक्ट हमको लगाना है, ध्यान से समझिए, एक तो एनिमेशन मैंने लगा दिया है, एक एनिमेशन किसके लिए लगाना है, कार के लिए, तो कार के लिए कौन सा एनिमेशन लगाएंगे, राइट वाला एनिमेशन। एनिमेशन पे आइए और यहां से मोर मोशन पाथ पे आइए, और यहाँ पे आपको लेना है क्या, राइट वाला, यहाँ पे राइट वाला एनिमेशन आपको लेकर के ओके कर लेना। आप इसको कहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, तो इसको भी आप लेके आइए यहाँ, ठीक है। अब इसका भी यहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग आप इसी की अपेक्षा इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, दोनों एक साथ मूव करेगा। देखिए अगर हम जहाज को पूरा बाहर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका जो एरो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको बाहर कर दीजिएगा, अब ये जहाज उड़ते उड़ते बाहर चला जाएगा। देखिए अच्छा अब देखिए शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, मारुति यही रुक जाएगा और जो आपका जहाज है वो बाहर चला जाएगा। हो जाएगा, आज इतना ट्राई करिए आप लोग, लाइव इतना बनाइए आप लोग, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, मैं बताऊंगा आपको। दिखा रहा है।